तो दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए खरीदे जा रहे नए फाइटर जेटों को लेकर आई है बहुत बड़ी खबर। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या राफेल का मरीन वेरिएंट इस फाइटर जेट की डील से बाहर हो चुका है। साथ में भारत अब किस प्रकार से 57 फाइटर जेटों की बजाय महज 26 फाइटर जेट ही खरीदेगा, और अमेरिका ने अपने फाइटर जेट की प्राइस को लेकर भारत से क्या कहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन खबरों के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, भारत का जैसे ही दूसरा बिल्कुल नया नवीला एयरक्राफ्ट कैरियर बना है, तभी से भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होने वाले नए फाइटर जेटों की आवश्यकता है। सबसे पहले ऐसी खबर निकल के सामने आ रही थी कि भारत 57 नए फाइटर जेट खरीदेगा इंडियन नेवी के लिए, पर दोस्तों अब जो खबर निकल के सामने आई है वो कुछ इस प्रकार है कि भारत 57 की बजाय महज 26 फाइटर जेटों को ही खरीदेगा, और इन 26 फाइटर जेटों में से 8 फाइटर जेट डबल सीट वाले होंगे, जबकि जो बचे 18 फाइटर जेट हैं वो होंगे सिंगल सीट वाले। अभी यह खबर निकल के सामने आई थी कि बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट के कारण जो फ्रांस का राफेल एम है वो इस टेंडर से बाहर हो सकता है, पर दोस्तों अभी बोइंग की तरफ से कुछ ऐसी घोषणा कर दी गई है जिससे ये दोनों ही फाइटर जेट एक साथ टेंडर के अंदर कम्पीट करेंगे। दरअसल दोस्तों, बोइंग ने भारत से कहा है कि आप या तो कम पैसों के अंदर आने वाला फाइटर जेट ले लीजिए या फिर अधिक अच्छी ताकत वाला फाइटर जेट आप हमसे खरीद सकते हैं। और एक प्रकार से बोइंग ऐसा बताना चाहता है कि जो F-18 सुपर हॉर्नेट है वो राफेल के मरीन वेरिएंट से ज्यादा दमदार है, और दोस्तों बस इसी कारण से इंडियन नेवी ने अभी फाइनलाइज कर दिया है कि इस डील के अंतर्गत हम जो सिंगल वेंडर वाली सिचुएशन है उसको नहीं रहने देंगे, क्योंकि एक बार यदि राफेल एम इस टेंडर को छोड़कर चला गया तो फिर जो अमेरिका है वो अपने फाइटर जेटों के लिए भारत से मनमानी कीमत वसूल करेगा। और दोस्तों इसलिए इंडियन नेवी ने यह फैसला लिया है कि भारत के अंदर F-18 सुपर हॉर्नेट के जैसे ही सारे टेस्ट कंप्लीट होंगे उसके बाद में अमेरिका और फ्रांस की तरफ से अपने अपने फाइटर जेटों की जो प्राइस है और डिटेल वगैरह वो भारतीय सरकार को समर्पित करनी पड़ेगी, और उसके बाद में भारत सरकार ही अपने हिसाब से फाइटर जेटों का चुनाव करेगी। खैर, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और कौन सा फाइटर जेट हमको लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स में फिर आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।